गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने चैप्टर टू स्टार्ट किया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोग स्वर पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम परिभाषा देखें तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कै, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, तो जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वर मिले हुए होते हैं। अगर हमें व्यंजन से स्वर को अलग करना है तो उसमें हलंत लगा देते हैं। ये हलंत, जब हम व्यंजन में हलंत लगा देते हैं इसका मतलब ये है कि ए इससे अलग हो गया, यानी इस स्वर इससे अलग हो गए। क्लियर? वरना जो भी व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। समझ में आ गया आपको? अब है व्यंजन के भेद। बच्चों व्यंजन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? जिनके बोलने पे हमारी जो मुंह में जो जीभ होती है वो मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक होंगे। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे? ये, रे, ले, वे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन जिनके बोलने से ऊष्मा बाहर निकलती है, श, श, स। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन नाम से पता है दो व्यंजन के मेल से बनता है। ठीक है, जैसे श, त्र, गे, रे। अब श कहां से बनेगा? के प्लस श। ठीक है, त्र कहां से बनेगा? ते प्लस रे। ठीक है, गे कहां से बनेगा? जे प्लस मै। और नी कैसे बनेगा? श प्लस रे। आगे समझ में? तो व्यंजन में कितने भेद हैं? चार, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। क्लियर? व्यंजन के टॉपिक में आगे पढ़ेंगे तो एक आता है द्वियुक्त व्यंजन। द्वियुक्त, द्वियुक्त का मतलब होता है दो व्यंजन। जब बच्चों दो समान व्यंजन मिलते हैं, जैसे कै और कै, दो समान व्यंजनों को हम मिलाते हैं तो इस शब्द में एक आधा हो जाता है और एक पूरा। जैसे पक्का, कुत्ता, तय और तय मिला के कुत्ता है ना, चक्की। तो द्वियुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो समान व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो एक व्यंजन आधा हो जाता है और एक पूरा लिखा जाता है। क्लियर? इसके बाद आपका आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद नाम से पता चल रहा है वर्णों को अलग अलग करना, शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कैसे? देखो, माना कोई शब्द आपका जलज, ठीक है, इसको हमें अलग करना है तो ज अलग लगाओ प्लस ए, ज प्लस ल प्लस ए, प्लस ज प्लस ए, जलज। इस तरह वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे आपको चैप्टर समझ में? व्यंजन जो वर्णों की सहायता और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कैसे लेके मैं तक होते हैं, अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे होते हैं, ऊष्म व्यंजन श, श, स होते हैं और संयुक्त व्यंजन ग, सूत्र, ग, श होता है। क्लियर? इसके बाद द्वियुक्त व्यंजन जो दो समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करना। चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो गया, आशा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं और इसके भेदों के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन दो आपका हो जाएगा द्वियुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन तीन हो जाएगा वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों आपको व्याकरण में चैप्टर टू को पढ़ना है। मैंने सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिए।